नमस्कार, यू मी एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन कांकरिया, जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि लेप्रोस्कोपी क्या होता है। लेप्रोस्कोपी नई टेक्निक नहीं है, ये कई जमाने से चली आ रही है, लेकिन अब इसका यूज जो है वो इस तरह से हो गया है कि बेसिकली हर व्यक्ति चाहिए कॉस्मेटिकली बेटर इम्प्रूवमेंट चाहता है। हाँ जी, वो चाहता है कि मेरे कोई निशान ना हो, ना कोई घाव दिखे, ना कोई उसमें इन्फेक्शन हो, और ऑपरेशन भी हो जाए, काम भी हो जाए और कुछ पता ना लगे। तो ये एक टेक्निक है जिसके दौरान एक बहुत छोटे से छेद के द्वारा लेप्रोस्कोप, जो कि अपना स्कोप होता है जिसके अंदर लाइट सोर्स होता है, वो जनरली वो स्कोप उस छेद के रास्ते से डाला जाता है। उससे जैसे कि सोनोग्राफी में बाहर की चीज़ दिखती है, वो अंदर से हम एक एक ऑर्गन उससे देख लेते हैं। अच्छा, इसी को ही लेप्रोस्कोपी कहते हैं। इसके बाद इसी स्कोपी के द्वारा और हथियार डाल करके और औजार डाल करके उस पर जिस ऑर्गन की डिजीज होती है उस ऑर्गन को निकाला जाता है या जोड़ा जाता है या काटा जाता है। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपी सर्जरी कौन सी बीमारियों में काम आती है? आज के टाइम में लेप्रोस्कोपी चाहे चेस्ट की हो, चाहे एब्डोमन की हो या पेट की हो जी, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गन्स की हो, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन लेप्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पेट की सर्जरी जनरली करते हैं, जिसके अंदर आपका गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो बहुत कॉमन है, इसके अलावा हम हर्निया की सर्जरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, और इसके अलावा कोई सा भी पेट से संबंधित कैंसर हो, जैसे कि अमाशय का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर, या गुदा द्वार जब बाहर निकल जाता है तो रेक्टम जो होता है उसके लिए रेक्टोपेक्सी करते हैं। इसके साथ साथ आखिरी में अभी जो सबसे कॉमन चला आ रहा है वो बैरियाट्रिक सर्जरी, यानी मोटापे की सर्जरी। ये हम सब लेप्रोस्कोपी के द्वारा ही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपी के फायदे क्या हैं? लेप्रोस्कोपी के फायदे एज इट इज सबसे नंबर वन कॉस्मेटिक। अच्छा, जो कि ये है कि किसी चीज़ का निशान नहीं दिखता है। पहले के ज़माने में पित्त की थैली निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता था, जिसके कि बहुत सारे नुकसान होते थे, जैसे कि घाव का न भरना, टांके टूट जाना, या मरीज को इस तरह से कि उसको हिलने डुलने नहीं दिया जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि दूरबीन का ऑपरेशन जो पित्त की थैली का करते हैं, उसमें बहुत छोटा चीरा, यानी 10 mm का एक चीरा और 5 mm के 3 चीरे लगाते हैं। अच्छा। और उस 10 mm के चीरे से ही पित्त की थैली को बाहर निकाल कर ले आते हैं, जिससे कि इसमें कॉस्मेटिकली बिल्कुल उसको कुछ समय बाद, 15 या 20 दिन बाद, उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे कोई सर्जरी हुई है या कोई स्कार मार्क है। दूसरा, इसमें इन्फेक्शन ना के बराबर होता है और होता ही नहीं है जब तक कि अगर प्रॉपर टेक्निक यूज़ की जाए जी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्मेटिक का। नंबर टू, इसके बाद हम सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में मरीज को तुरंत से तुरंत उसको उठा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, घूमने फिरने लग जाता है, तो अर्ली रिटर्न ऑफ वर्क। हाँ, मतलब ये नहीं कि लंबी छुट्टी लेके उसको घर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल। और उसको 2 दिन के बाद हम ये 48 hours मैक्सिमम किसी भी बड़ी से बड़ी सर्जरी के अंदर लेप्रोस्कोपी के बाद में मरीज को चलना फिरना अलाउड, ऑफिस वर्क के लिए अलाउड, कोई तरह का बेड रेस्ट नहीं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें होता है। नुकसान भी होगा कोई? ऐसा कोई नुकसान नहीं है, अगर प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर यूज़ किया जाए लेप्रोस्कोपी का, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कहीं जगह पर लेप्रोस्कोपी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपी यूज़ करने के लिए पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। अच्छा। जिससे कि पेट का फुलाव हो जावे, फिर उसमें स्कोप डाल करके किसी ऑर्गन को निकाला जाता है। लेकिन जैसे कि वृद्ध अवस्था के लोग हैं, 70-75 के क्रॉस कर गए, जिनका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जी, या फेफड़े कमज़ोर हैं, उसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं तो उनको हार्ट की वजह से कोई नुकसान होने का खतरा रहता है। तो ऐसे लोगों को जनरली हाँ जी, हम ये एडवाइस करते हैं कि इसमें लेप्रोस्कोपी नुकसानदायक हो सकती है, उन लोगों के लिए हम ओपन सर्जरी एडवाइस करते हैं। लेकिन ऐसा आज के टाइम में जो एनेस्थेशिया डिपार्टमेंट है हमारा, वो इतना कॉन्फिडेंट है, इस तरह की एनेस्थेटिक ड्रग आ चुकी है कि उनके लिए कोई इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहीं ना कहीं होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताया कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो,
लंग्स की बीमारी हो या हार्ट पेशेंट्स हो, उनको लेप्रोस्कोपी अवॉइड करनी चाहिए? और भी कोई ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए लेप्रोस्कोपी फायदेमंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेप्रोस्कोपी सबसे सबके लिए फायदेमंद है। सिर्फ यही दो तीन कारण होते हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी नुकसानदायक हो सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें भी लेप्रोस्कोपी नुकसानदायक हो। और छोटे बच्चों में? छोटे बच्चों में भी आज के टाइम में लेप्रोस्कोपी बहुत एडवांटेज हो रही है। उसमें भी हर्निया है, चाहे कैंसर की कोई सर्जरी है या कोई बड़ा ट्यूमर है, गॉल ब्लैडर है, सब लेप्रोस्कोपी के द्वारा किया जा रहा है। सर, हर्निया के ऑपरेशन में खास करके लेप्रोस्कोपी का क्या फायदा है? हर्निया में सेम वैसे ही कॉस्मेटिक, नंबर टू अर्ली रिटर्न ऑफ वर्क, जल्दी काम के लिए चला जाता है, अर्ली मोबिलाइजेशन, जल्दी ही पेशेंट को उठा करके चला दिया जाता है। इसी तरह एक इंसिजनल हर्निया, जो कि बड़े ऑपरेशंस के बाद में जब हर्निया बड़ा डिफेक्ट हो जाता है, जी, उसमें ही लेप्रोस्कोपी के द्वारा बिना उस चीरे को काटे हुए लेप्रोस्कोपी के द्वारा हर्निया की जाली जो होती है वो उस पेट के अंदर अंदरूनी हिस्से पे लगा दी जाती है, जिसमें कि मरीज 2 या 3 दिन में तैयार हो जाता है। ऐसा भी सुनने में आता है कि अगर पेट के ऊपर चर्बी बहुत हो, मोटापा हो, तो दिक्कत होती है लेप्रोस्कोपी में? नहीं 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 बिल्कुल आसान होता है। जितना मोटा पेट होगा, जितना मोटा शरीर होगा, उसके लिए दूरबीन का ऑपरेशन उतना ही अच्छा होगा। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, दूरबीन के द्वारा ना तो बड़ा चीरा लगेगा, दूरबीन के द्वारा ना तो पेट को बड़ा चीरा जाएगा, और छोटे से चीरे से ही आप कोई भी चीज़ अंदर से शरीर से बाहर निकाल सकते हो। और जितना मोटा आदमी होगा, अगर ओपन सर्जरी कराएगा तो उतना ही बड़ा चीरा, उतना ही डेप्थ में हमें चीरा लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ओबेसिटी फाइट करने में लेप्रोस्कोपी आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। हम आपसे ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। देखते रहिए यू, मी एंड हेल्थ। जगाए शक्ति का एहसास, गौमृत प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। ओह सॉरी शर्मा जी, और ये क्या यार, सुबह से कॉल ट्राई कर रहा हूँ और देख हर बार ही नेटवर्क बिजी। कैसे? और नो आइडिया यार। गेट आइडिया, आइडिया अपनाइए और पाइए कंजेशन फ्री नेटवर्क बिना अपना नंबर बदले। कॉल कीजिए 1-800-270-0000। रसोई से एक स्वाद जो दिल के एहसास को पहुंचाए अपनों तक, एक महक जो कर दे सबको आपका दीवाना। खुशबूदार व्यंजनों की दुनिया से अब सजेगी आपकी रसोई। रसोई से देखिए सोमवार से शनिवार रोजाना दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। पेश है पीसीएम के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार, गौमृत प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। आजादी के बाद आखिर क्यों पिछड़ता गया मुस्लिम समाज? सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती इनकी समस्याओं पर? सरकार तक क्यों नहीं पहुँच पाती इनकी आवाज? पिछड़ापन, कुपोषण, अशिक्षा और कुरीतियों ने क्यों जकड़ा है मुस्लिम समाज को? आतंकवाद, असुरक्षा की भावना और बेरोजगारी के चलते युवा क्यों हैं खौफजदा? हम जाएंगे मुद्दों की तह तक, उठाएंगे इन सभी मसलों को और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हैं मुस्लिम समाज के अधूरे ख्वाब। देखिए अधूरे ख्वाब हर रविवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। प्रायोजक है। पेश है पीसीएम के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार, विकास में भागीदार बने, स्टार रेटेड उपकरण अपनाएं। पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। दिन भर कई खबरें, द ऑपोजिशन इज डूइंग इनजस्टिस टू द आम आदमी। छोटी बड़ी, देश दुनिया से जुड़ी,
जो दिन भर में चूक गई आपसे। मेरी बात हेमंत करकरे जी से हुई थी। तमाम जरूरी खबरें सिर्फ एक समय पर, News@9 PM में। उसके सह प्रायोजक है, पेश है PCM के रेडी टू यूज मसाले जायकेदार। लीमा मोबाइल, मोबाइल भी स्टाइल भी। विकास में भागीदार बने, स्टार रेटेड उपकरण अपनाएं। पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। गुणवत्ता का प्रतीक रेड। गौमृत प्योर प्लस घी, स्वाद भी शक्ति भी। टाइगर मसाले जो है वर्षों से नमकीन की जान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर कांकड़िया से। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि ओबेसिटी को फाइट करने के लिए, मोटापे से लड़ने के लिए आज के दिन लेप्रोस्कोपी में बहुत सारी नई टेक्निक्स आई हैं, उनके बारे में जानकारी दी। मोटापा आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। कोई ज़माने में कैंसर, स्मोकिंग, ये सब बड़े कारण हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में ओबेसिटी नंबर वन कॉज ऑफ डेथ हो रही है। ओबेसिटी के द्वारा दूसरी बीमारियां जो हार्ट अटैक है, जॉइंट्स पेन है, या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, ये सब होने के कारण इससे जो डेथ होती है वो ओबेसिटी में काउंट होती है। लेकिन आज के टाइम में जो ओबेसिटी जो कारण बना हुआ है, वो जब हम जानते ही हैं कि किस तरह से ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रही है जी। लेकिन ओबेसिटी अगर फिजियोथेरेपी से कंट्रोल हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो तो इसके लिए सर्जरी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। फिजियोथेरेपी से मतलब कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें, या डाइट पे कंट्रोल करें। ये सब कंट्रोल करने के बावजूद भी अगर इस तरह की ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होती है तो उसके लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। पहले आप हमें ये बताइए कि ओबेसिटी क्या है, उसके जो हमारे साइंस या हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या मापदंड है। ओबेसिटी हमारे हिसाब से एक्सेस बॉडी वेट, जितना बॉडी वेट होना चाहिए उससे अगर एक्सेस है तो उसको ओबेसिटी कही जाती है। कितना एक्सेस है ये इसका एक फार्मूला होता है जिसको BMI, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं जी, जिसके अंदर वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 35 से ऊपर आती है तो ये ओबेसिटी कहलाती है। अगर सपोज 40 से ऊपर आ जाती है तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, मीन सीवियर ओबेसिटी। तो ये हमारी कैलकुलेशन होती है, इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मरीज का वेट जैसे सपोज 30 BMI है, इट मींस फिट है, लेकिन उससे ऊपर है तो वो एक्सेस वेट कहलाता है। अगर एक्सेस वेट है और मॉर्बिड ओबेसिटी है और जो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हुई है, भाई हमने सेहत का ध्यान बाकी रख लिया, एक्सरसाइज कर ली, डाइट कम कर ली, लेकिन काबू नहीं आ रहा है, तो कौन सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में जो सबसे कॉमन सर्जरी हो रही है वो तीन तरह की सर्जरी हो रही है जी, जिसमें नंबर वन बैंड यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रचलन अपने इंडिया में कम है। बैंड में आमाशय जो भोजन की नली होती है, जो हमने खाने का भोजन एकत्रित करती है जी, उसके अंदर एक बैंड यानी रिंग नुमा एक बैंड लगा दिया जाता है उसके अंदर, हाँ, बाहर से कवर कर दिया जाता है जिससे वो भोजन कम मात्रा में खा पाता है। इसके लिए रेगुलेटर सिस्टम होता है, वो पेट की दीवार के पर लगाया जाता है जिससे कि चाहे तो रिंग ढीली कर सकते हैं, जब उसको खाना ज़्यादा खाना हो तो रिंग ढीली कर लेते हैं, और जब उसको खाना कम खाना हो तो रिंग टाइट कर लेते हैं। लेकिन ये प्रचलन अपने इंडिया में नहीं है क्योंकि इसके लिए फॉलोअप की बहुत ज़रूरी होती है। अपने इंडिया के अंदर पेशेंट एक बार सर्जरी कराने के बाद भूल जाता है कि डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना, उसको ये नहीं कि इसको खाना खाना है और तो आज शादी में जाना है और अपने वो वॉल को ढीला करा के आना, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमारे इंडिया में ये प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे आज के टाइम में कॉमन हो रहा है वो हो रहा है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जी। इसमें आमाशय का एक हिस्सा, 80% हिस्सा जो कवर करता है वो हम उसको निकाल देते हैं लेप्रोस्कोपी द्वारा, दूरबीन द्वारा उसको हिस्से को निकाल देते हैं जिसके अंदर की अपने भूख के हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, उस भूख के हार्मोन्स को निकालने के बाद में मरीज की भूख कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि उसकी कैपेसिटी 100 से 120 ml तक ही रह पाती है। जनरली हम 1500 ml तक खाना खा सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी हम आमाशय को निकालने के बाद में 80 से 100 ml या 120 ml तक कर देते हैं जिससे कि मरीज एक टाइम में 100 से 120 ml से ज़्यादा खाना नहीं खा पाता।
और आपने ये जो कहा कि वे उसके हम हार्मोन्स निकाल देते हैं, तो क्या भूख लगनी ही बंद हो जाती है? बिल्कुल मैडम, उसको भूख का एहसास नहीं होता और वो एक चपाती खाता तो उसको ऐसा लगता कि पेट भर गया है मेरे को। और मेन टारगेट हमारा ओबेसिटी कंट्रोल करने का यही होता है, क्योंकि आज के टाइम में हम अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कितना भी हो, शादी ब्याह में गए, खाने का कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये एक जरिया होता है कि जिससे भूख कम कर दी जाती है और उसकी कैपेसिटी कम कर जाती है। पहले तो भूख लगेगी नहीं और दूसरी उसकी कैपेसिटी कम होगी, अगर उसे खाना भी चाहेगा तो एक चपाती डेढ़ चपाती से ज्यादा नहीं खा पाएगा। और खा ले तो उसको एहसास ही नहीं होगा, उसका पेट भर जाएगा। जब 80 से 100 ml उसने खाना खा लिया, उसके बाद उसका पेट भर जाएगा, वो मना कर देगा खाने के लिए और खाया ही नहीं जाएगा, खाया ही नहीं जाएगा उसको, उसकी इच्छा ही नहीं होगी, भूख भी मर गई। फिर खाने के बाद अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपन अगर ज्यादा खाने की इच्छा होती है तो अपन नहीं खा पाते, नहीं खा पाते। बिल्कुल सही बात है। ये तो आपने बताई दो टेक्निक, तीसरी कौन सी है? तीसरी टेक्निक जो होती है बाईपास। अच्छा, मींस उसमें अमाशय की कैपेसिटी सिर्फ 30 ml रख दी जाती और पूरे अमाशय को अलग कर दिया जाता है, और उसके बावजूद 30 ml की कैपेसिटी में जो खाना जाता है उसके लिए भी हम एक आंतों का बाईपास कर देते हैं, जिससे कि खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो। अच्छा, तो लेकिन इससे और प्रॉब्लम्स नहीं आती? नहीं, इससे प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये हम ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेट हो, मोर देन 150 हो, 200 kgs हो, और उसके अलावा उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड की शिकायत, जॉइंट्स में पेन। कई पेशेंट्स इस तरह आते हैं कि उनको उठना बैठना ही पॉसिबल नहीं होता है वेट की वजह से, उसके लिए हम ये बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं। हालांकि बाईपास की सर्जरी के बाद में उसको लाइफ लॉन्ग कुछ दवाइयां लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट्स जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, बी कॉम्प्लेक्स है, बट उसकी डायबिटीज कंट्रोल आ जाती है, जिसकी कि उसकी गोलियां चल रही है वो बंद हो जाती है, हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ जाता है, जॉइंट्स में पेन रिलीव हो जाता है और सोसाइटी में उसका उठना बैठना हो जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी जो आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आमतौर पे हिंदुस्तान में की जाती है, हम इसके बारे में आपसे और चीज जानना चाहेंगे, खासतौर पर इसका कॉस्ट और इसको कैसे करवा सकते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर कांकड़िया से बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए यूमी एंड हेल्थ। क्या आपका परिवार सुरक्षित है? कमजोरी, वायरल फ्लू और खांसी जुकाम से लड़ने के लिए विटामिन सी युक्त बैद्यनाथ का स्पेशल च्यवनप्राश, सेहत और शक्ति से भरपूर। बैद्यनाथ च्यवनप्राश अब एक और नए अवतार में, बैद्यनाथ शुगर फ्री च्यवन। दुनिया इस हफ्ते, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें, खबरों का बारीक विश्लेषण और उनकी हकीकत। क्या हुआ कुछ खास, ये दिखाएगा आपको दुनिया इस हफ्ते, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर शुक्रवार शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक हिंदुस्तान जिंक। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़, हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। एक ऐसी चिकित्सा विधा जहां मिले सभी रोगों का नैसर्गिक तोड़, वो प्राकृतिक उपचार का वैज्ञानिक आधार, आयुष्मान होने का वरदान देती प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का नहीं है कोई जोड़। देखिए आयुर्वेदा हेल्थ शो रविवार सुबह 10:30 बजे। नाथ आयुर्वेद हेल्थ शो प्रायोजक है बैद्यनाथ का स्पेशल च्यवनप्राश, सेहत और शक्ति से भरपूर। खबरें हौसले की। जज्बे की, बुलंद इरादे की। हमको देखकर जो महिलाएं ऐसी है उनके घर में हो रहा है, वो भी घर से निकलकर संघर्ष करे। खबरों की भीड़ में वो खबर जिसे देख कह उठे आप,
जीना इसी का नाम है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग आपसे पूछ रहे थे कि ये जो सबसे आम तौर पे बैरियाट्रिक सर्जरी करी जाती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी, तो इसके लिए अगर कोई पेशेंट बहुत मोटा है और वो आपके पास आता है तो आप उसको क्या सुझाव देते हैं? कोई भी मोटा पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी BMI कैलकुलेट करते हैं जी, कि उसका कितना एक्सेस बॉडी वेट है। जनरली हमारे पास जो यंग गर्ल्स हैं जिनका कि ओवर वेट है, जिनकी कि मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या और कोई कारण से है, जो स्कूल्स में जाने में या कॉलेज जाने में उसको घबराहट सी होती है, जनरली वो पेशेंट आते हैं, हम उनके BMI कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी का प्लान करते हैं। ठीक है। हमें अगर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करनी है जो कि कॉमन यंग गर्ल्स में की जाती है, उसके लिए हम पहले सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उस इन्वेस्टिगेशंस में ये देखते हैं कि मोटापे के कारण जो है वो ओवरईटिंग है या कोई हार्मोनल डिस्टरबेंसेस है। क्योंकि हार्मोनल डिस्टरबेंस है तो कोई फायदा नहीं होगा। यस मैम, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस देखते हैं, साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कई बार साइकेट्रिक पेशेंट्स होता है, स्वीट ईटनर्स होते हैं जो सिर्फ टॉफी पसंद करते हैं, ये सब हम पहले उनको सजेस्ट करते हैं कि ये आपको छोड़ना पड़ेगा। नंबर टू, उसके बाद में हम उसको ऑपरेशन थिएटर से पहले जितने भी इन्वेस्टिगेशन से एनेस्थेटिस्ट को वर्कअप कराते हैं, उसकी स्लीप स्टडी भी कराते हैं कि सोते समय उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सांस लेना भूल जाती है, अच्छा खर्राटे आने लगते हैं मोटे पेशेंट्स को, ये सब वर्कअप कराते हैं। उसके बाद हम उसको प्लान वे में ऑपरेशन प्लान करते हैं, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसको लाभ हानि की जिम्मेदारी सारी बताते हैं, पुराने पेशेंट से मिलाते हैं कि कितना इसके फर्क पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, या उसने क्या क्या डाइट में कंट्रोल किया है, क्या नहीं किया है। अगर वो तैयार होता है इन सब बातों पे तब हम उनको एडवाइस करते हैं, अदरवाइज हम हर पेशेंट्स को ऑपरेशंस के लिए एडवाइस नहीं करते। तो एक बार पेशेंट तैयार हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद इसके शॉर्ट टर्म क्या क्या पोस्ट ऑपरेटिव ध्यान रखने की चीज? ऐसे पेशेंट्स के लिए ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, बट एनेस्थेशिया पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा। 24 आवर्स तक हम इन पे ICU में रखते हैं, अच्छा, लेकिन 24 घंटे बाद में हम इनको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, और वार्ड में शिफ्ट करने के साथ ही हम उनको ओरल फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। 24 आवर्स तक शुरू में उसको लिक्विड दिया जाता है, 50 ml पर आवर से स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे 70 ml, 150 ml और 200 ml, और डे थर्ड यानी तीसरे दिन पे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद उसके बाद पूर्ण जिंदगी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? डाइट कंट्रोल नंबर वन, जैसे कि स्वीट्स आपको अलाउड नहीं होती है। धीरे धीरे आप आफ्टर 6 मंथ्स जब उसका वेट कंट्रोल हो जाता है उसके बाद हम स्वीट्स अलाउड कर देते हैं। इसके अलावा जैसे घी है, तेल है या ऑयली स्पाइसी फूड है वो हम अवॉइड करते हैं। शुरू में लिक्विड्स और सेमी सॉलिड डाइट पर रखा जाता है। धीरे 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 जब उसका वेट रिड्यूस हो जाता है, पेशेंट इजीली वॉक कर लेता है, उसकी मेडिसिन ब्रेक हो जाती है, वो पेशेंट अपने आप समझ जाता है कि मुझे अब कंट्रोल करना है, तो उसके बाद उसकी सारी ड्रग्स छूटने के बाद में अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी लेता है। मेडिसिन कौन सी दी जाती है, कौन सी दवाइयाँ रख देते हैं? जनरली हम बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट के फॉर्म में देते हैं, अदरवाइज उसको कोई ड्रग की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अगर इसके बाद और भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते होंगे, कोई नुकसान? इसके बाद जनरली जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन लूज हो जाती है, फेस में कई बार रिंकल्स आ जाते हैं, इसके लिए भी हम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इसको भी रिकवर करते हैं। मतलब ये तो इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। ओबेसिटी है, वेट ऑलरेडी इंक्रीज है, स्किन ऑलरेडी लूज है, जैसे जैसे वेट डिक्रीज होगा स्किन ऑलरेडी लूज होगी, बट कुछ परसेंटेज केसेस में ही हमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नहीं, क्योंकि अगर आमतौर पे इंसान अगर एक्सरसाइज करके वजन अपना कम करता है तो वो तो स्किन साथ साथ टाइट होती जाती है, लेकिन सर्जरी में क्योंकि वजन बहुत जल्दी कम होता है इसलिए नहीं हो पाती। नहीं मैडम, ऐसा है कि जो वजन जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह के द्वारा या फास्टिंग के द्वारा किया जाता है वो रीगेन होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, जिसका कि कारण जो हार्मोन हम हटाते हैं, अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हैं और वो हार्मोन्स जो हमने हटाए हुए हैं लेकिन फास्टिंग कंडीशंस के अंदर हार्मोन्स की मात्रा और इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। इसलिए जो लोग फास्ट करके अपना वजन घटाते हैं, सडन रिड्यूस करते हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। जैसे ही वो फास्ट छोड़ेंगे वो हार्मोन्स डबल हो जाएंगे और उनका वेट पहले से डबल हो जाएगा। अच्छा। और इस सर्जरी में जैसे आपने ये बताया कि उसके बाद आपकी मेडिसिंस खत्म हो जाती हैं और उसके बाद पेशेंट को आजीवन सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। यस मैम।
कि ज्यादा नहीं खाना है? ज्यादा नहीं खाना है, ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी ज्यादा नहीं खा पाता है, बट फिर भी हम उसको प्रिकॉशनरी ये बताते हैं कि एक तो मीठा कम करें, ऑयली स्पाइसी फूड कम करें, अपनी रेगुलर वॉक रखें, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बराबर मेंटेन रखें और अपनी न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर लेते रहें। तो डॉक्टर साहब, आप कौन से पेशेंट्स को स्लीव गैस्ट्रेक्टॉमी एडवाइज नहीं करते? ऐसा नहीं है, हम मैक्सिमम ओबेज पेशेंट्स को ये सर्जरी एडवाइज करते हैं, क्योंकि इसके कोई डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। बट फिर भी अगर पेशेंट्स कई ऐसे होते हैं जो अल्कोहल यूजर होते हैं या कोई साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं, पेशेंट्स डिप्रेशन में रहता है, साइकिक बिहेवियर रहता है, तो उनमें हम कोशिश करते हैं ये अवॉइड करें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमारे को अच्छे नहीं मिल पाते। डॉक्टर साहब, स्लीप गैस्ट्रेक्टॉमी कौन सी उम्र में हो सकती है, मतलब सबसे कम उम्र में कौन सी उम्र में है कि ये सेफ है बच्चे के लिए? ये जनरली हम लोग करते हैं 14 ईयर्स के बाद में, चाइल्डहुड ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, 14 साल की उम्र के बाद में ये सर्जरी की जा सकती है और 60 साल की उम्र तक ये सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा, 60 साल के बाद में? 60 साल के बाद भी अगर कोई इंडिकेशन बनता है तो की जा सकती है, बट रेयरली ऐसा इंडिकेशन होता है कि 60 के बाद के हमें ये सर्जरी करनी पड़े। सक्सेस रेट इसका 100% है? डिपेंड्स करता है पेशेंट पर, अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग कोऑपरेशन है विद डॉक्टर, अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो 100% सक्सेस रेट है। और कितने दिनों में, कितने माह में वजन कम होने लग जाता है? वजन कम होने लग जाता है 7th डे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उसकी डाइट डिक्रीज होगी, वेट अपने आप रिड्यूस होना चालू हो जाता है, और 6 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट 100 kg का है तो 30 kg तक ही कैन रिड्यूस, वो रिड्यूस कर सकता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर। हाँ जी, ठीक है। और कौन सी प्रिकॉशंस एक पेशेंट को रखनी चाहिए? ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है, नॉर्मल रूटीन लाइफ जीनी है उसको, बस अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वॉक इन पे ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई इस तरह की आपको उसको रोका जाए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, एवरीथिंग ही कैन डू। जैसे कई बार सुनते हैं कि नहीं, वजन नहीं उठाना चाहिए या झुकना नहीं चाहिए, यही लैप्रोस्कोपी का एडवांटेज है। लैप्रोस्कोपी के अंदर इतना बड़ा चीरा नहीं होता है कि उसमें कोई इंसिजनल हड्डियां बने या कोई नुकसान हो, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, वो अपने आप 21 डेज के अंदर स्कारलेस हो जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके हमें ये जानकारी दी। तो ये थे डॉक्टर जीवन कांकरिया, जिन्होंने हमें जानकारी दी लैप्रोस्कोपी और बैरियाट्रिक सर्जरी के ऊपर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमें कोई सुझाव देना है या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी है तो आप हमें SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, टाइप कीजिए UMH, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और भेज दीजिए 5600606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता है यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगले बुधवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।